हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। एंड यहाँ पर मैच हो रहा है स्वीडिश लीग का, मेलमो वर्सेस एचएलएम के बीच, जो कि 10:30 बजे खेला जाएगा। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो मेलमो और एचएलएम, आपको बता दूँ एचएलएम टीम आखिरी के जितने मैच हुए हैं अभी इनकी ओरिजिनल स्वीडिश लीग के अंदर, आखिरी के दोनों मैच ये टीम हारती आ रही है, जबकि मेलमो अपना लास्ट मैच 3-1 के स्कोर से जीत गई थी, और उससे पहले वो भी फॉर्म में नहीं थी। लेकिन मेलमो ने फॉर्म रिकवरी की है, तो इसलिए मैं मेलमो का प्रॉपर फेवर हूँ। और अगर मेलमो फॉर्म में ना भी होती तब भी मेरी टीम मेलमो फेवर होती, क्योंकि मेलमो टीम इनसे तेज़ है। इसलिए मैं भी आपको ये राय दूंगा इसी टीम को फेवर करना, कोई सोचने वाली इसमें बात नहीं है। सो स्ट्राइकिंग में अगर चले तो देखिए बहुत ऑप्शन है, जैसे कि शुरू में जब आई के एस थैलिन इंजर्ड था तब टी आब्दी अली ने गेम कई बार संभाली, कई बार हॉलम क्विस्ट को हमने देखा, लेकिन अब काफ़ी टाइम से हॉम क्विस्ट नहीं खेल रहा, जिस कारण आई के एस थैलिन का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। सो मैं आई के एस थैलिन को लूँगा। और टी आब्दी अली की बात करूँ, टी आब्दी अली को यहाँ पर आपने ज़रूर लेना है। टी आब्दी अली भले ही मैं कहता हूँ चलो गोल करे ना करे, बट वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी कम सिलेक्शन है उतना ज़्यादा फ़ायदा है, उतना ज़्यादा आप बोलोगे कि गोल आए, ठीक है, इसलिए मैं उसको लूँगा। और ग्रेनथ की बात करें, देखिए वी ग्रेनथ इकलौता ऐसा प्लेयर है एचएलएम का जो गोल कर सकता है, ये आप सब जानते हो। और अगर आप वही इकलौता प्लेयर छोड़ दोगे फिर तो जीतना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए मैं ग्रेनथ को लूँगा। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, देखिए यहाँ पर लूँगा ननासी को। ननासी के बाद जैसे मैंने ना पिछले मैच में देखा कि जॉर्जेंसन अच्छा नहीं कर पा रहा, लेकिन जबकि जॉर्जेंसन का रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब कोई रिस्क लेने से डरते हैं सारे, ठीक है। अब चक्कर क्या है, रिस्क लेने से अगर डर है आपको, तो मैं आपको एक राय दे सकता हूँ, अगर आपने 3 डिफेंडर भी नहीं लेने और आपने इसको भी नहीं छोड़ना सर्जियो पैना को, तो आप क्या कीजिए, सर्जियो पैना को ले लीजिए। भले ही देखो पैना को कैप्टन मत रखना, पैना को वाइस कैप्टन मत रखना, वो दम नहीं है इस खिलाड़ी में जो आप समझ रहे हो, बस वो है अच्छा टैकल करता है, अच्छा इंस्क्रिप्शन करता है, गेम प्ले अच्छा है, लेकिन अगर आप गोल और वो देख रहे हो तो वो चीज़ नहीं है इसमें। एंड आगे से बात करें, यहाँ पर लूँगा एहस्टेड को। एहस्टेड अगर खेलता है अच्छी बात है, क्योंकि ये भी इनका बेन है। उसके बाद हाँ, इसको मैं बड़ा प्लेयर मानता था, बट अब नहीं, मैं अब आमिर को अगर लेता हूँ तो मान लो जनरली मैं वैसे ही ले रहा हूँ, बाकी इसकी जगह मैं चाहता हूँ कोई डिफेंडर अगर आप ले सको तो ले सकते हो, अगर जो भी आपका मन करे, कोई भी भले वो ऑफूसू हो जो आपका मन करे, क्योंकि मैं देखो इसके साथ जाऊँगा, पर गोल एक्सपेक्ट नहीं है। अगर गोल आ जाता है तो मैं खुद कह रहा हूँ मेरा नाम नहीं आएगा, अगर ये गोल करता है तो मैं अपना क्रेडिट नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तो खुद अपने मुँह से बोल रहा हूँ कि मुझे गोल एक्सपेक्ट नहीं है इसका। आगे से बात करें यहाँ पर डिफेंडिंग की, डिफेंडिंग के अंदर देखिए हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले बुसनेलो को, जो कि कैप्टन का मेन ऑप्शन है। कई लोग जो कैप्टन मिडफील्डर को रखते हैं या फिर स्ट्राइकर को, और कई लोग क्या होते हैं डिफेंडर को रखते हैं, और मतलब उनका कॉम्बिनेशन डिफेंडर के साथ होता है, इसलिए मैं इसको लूँगा। नेल्सन पिछले मैच में जल्दी सब्स्टिट्यूट हुआ था, तो मैं इसको नहीं लूँगा, वैसे देखते हैं लास्ट में, तब तक आप क्या कीजिए जो इनकी जगह खेलने आए, जैसे कि मॉइसेंडर को पहले आप लो, मॉइसेंडर के बाद अगर कोई प्लेयर लेना है ले लो, लेकिन मैं निल्सन को अभी नहीं ले रहा, अभी मैं डिसाइड करूँगा कि कॉर्नेलियस आता है कौन आता है, ठीक है, क्योंकि कॉर्नेलियस भी आ सकता है। और बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, तरह यहाँ पर है एचएलएम का प्लेयर जिसका नाम है मेल्टे पैल्सन, ठीक है, मेल्टे पैल्सन को यहाँ पर मैं लूँगा, मेन प्लेयर है, डेलिन को लेने वाली बात ही नहीं है भाई। बात करें यहाँ पर कैप्टन की, कैप्टन जो मेरा है वो है आई के एस थैलिन, वाइस कैप्टन एस ननासी, ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।